वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत को क्या मैं कह सकती हूँ या आपको लगता है कि कोरोना से भी डर नहीं लग रहा है, जबकि हम सब लोग जितने भी लोग अकल शऊर रखते हैं वो यही कह रहे हैं कि कोरोना एक वेकअप कॉल है बहुत से लोगों के लिए। अभी भी हम देखते हैं कि ऐसी मजाका कैसे हरकतें कर रहे हैं जिसपे बाकी इतनी वो फनी सी बातें कर जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान से आ रहा है कोरोना, ये जो कोरोना है ये मुसलमान फैला रहे हैं, और कोई और नहीं कहता। उनके बड़े बड़े एंकर जो टीवी पे बैठ के लोगों की बाकायदा राय कायम कर रहे होते हैं, उनके बड़े बड़े सियासतदान जलसों में खिताब करते हुए इस तरह की बातें कर जाते हैं। कैसे देखते हैं आप उनकी ये दिमागी या नफसियाती हालत को? डॉक्टर फिजा, थैंक यू वेरी मच। देखें, जो भी एंकर्स कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, या हिंदुस्तान की तरफ से जो भी ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि कोरोना, मैं तो उनकी ज़हनी सेहत पे बात शक कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान का ये फैलाया हुआ है तो क्या पाकिस्तान ने 201 मुल्कों को अपने काबू में ले लिया? अगर इतना ताकतवर मुल्क हो गया पाकिस्तान और उनकी टेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल वारफेयर इतना एडवांस हो गया है कि उन्होंने 201 मुल्कों को लॉकडाउन कर दिया, तो फिर तो हिंदुस्तान को भी हमसे डरना चाहिए। लेकिन ये एक इंतहाई अहमकाना स्टेटमेंट है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इसको कोई अकल के नज़दीक तर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये कह दिया। लेकिन चूंकि इंडिया में इस वक्त और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नुकसान इतना नहीं हो रहा कोरोना से, तो उनको बाकी जो दुनिया इस वक्त इसकी गिरफ्त में है, जो परमानेंट फाइव इसकी गिरफ्त में है, वो उस वैक्यूम से फ़ायदा उठाते हुए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना एक नैरेटिव है जो वो दोहराना चाहते हैं। और इसके पीछे भी एक ज़हनियत है और एक वजह भी है ज़हनियत। जी जी ठीक है, शायद जनरल एजाज अवान साहब को टेक्निकल इशू है। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। जनरल साहब, अगरीदा मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आप कैसे देख रही हैं इस पूरी सिचुएशन को? वाकई जी पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, अब हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से इस तरह की बातें तो नहीं होती। पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, भारत के ऊपर अभी भी जंगी जुनून सवार है, LOC की आए दिन खिलाफ वर्जी होती है। कैसे देखती हैं आप पूरी सिचुएशन को, क्यों कर रहा है भारत ऐसे? डॉक्टर फिजा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, और उस पर पाकिस्तानी कौम की और पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो दिलाने की जरूरत है। आपका प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में देखा जाता है, तो अच्छा है कि लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए और वैसे भी पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है भारत के इस चेहरे को बेनकाब करना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, जिस तरह से कश्मीर में पिछले एक साल से, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद से, जिस तरह से कश्मीर में जबरदस्ती, जुल्म के साथ, जबर के साथ, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर पार्लियामानी और गैर इंसानी तरीके से कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की, मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारत ने कोशिश की है, और उसके बाद जिस तरह से भारत के चेहरे से नकाब उठा है, जिस तरह से दुनिया भर के बड़े बड़े जरीबे जो हैं, जो बड़े बड़े क्रेडिबल पब्लिकेशन हैं, जो क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो क्रेडिबल लोग हैं दुनिया भर के, दानिश्वर और दुनिया भर की हुकूमतें जिस तरह से भारत पर जो है लान तान कर रही हैं, भारत पे तनकीद जो हो रही है, मुझे तो हैरानी होती है कि उसके बावजूद इतनी हठधर्मी कि इस वक्त पूरी दुनिया एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का शिकार है और भारत को अपने इमेज की कोई परवाह नहीं। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में इनक्रेडिबल इंडिया का जो है वो डंका पीटा जाता था, लेकिन अब उसी को इंटॉलरेंट इंडिया कहा जा रहा है, और ये इंटॉलरेंस की एक और बदतरीन मिसाल है, एक और बदतरीन जो है वो एस्पेक्ट है कि पूरी दुनिया एक तरफ एक मेडिकल वॉर लड़ रही है और आपने पाकिस्तान के साथ जो है सिर्फ इसलिए कि आपके अपने मोदी सरकार को जो इंटरनल प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से आपने बात की डॉक्टर फिजा कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छे तरीके से जंग लड़ रहा है और शुक्र है कि हमारे यहाँ अभी केसेस का फैलाव उतना ज्यादा नहीं है, बावजूद उसके कि प्राइम मिनिस्टर हमें एक तंबीह कर रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं कि अप्रैल के एंड तक केसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में उतने केसेस नहीं है जितने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, जिस तरह से मिसाल है, और पाकिस्तान तो बहुत अच्छे तरीके से, जितने भी अपने महदूद वसाइल हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन भारत देखे कि वहाँ की मोदी सरकार क्या। अच्छा, ज्यादा हैरत इस बात पर होती है कि ऐसी सिचुएशन में भी कि तमाम लोगों को सिर्फ ये फिक्र है कि कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए,
अपने मुल्क में फैलने के लिए कैसे इसको रोका जाए, कैसे हम अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट्स, उनको पूरा करें। ऐसी सिचुएशन में भी नरेंद्र मोदी के सर पे जंगी जुनून सवार है, मतलब ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे उसकी जो मेंटालिटी समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही, प्लीज समझाने की कोशिश करें। ये सवाल मुझसे है डॉक्टर फिजा जी? गरीदा आपसे है, फिर मैं रमेश कुमार से बात की तरफ आती। मैंने चंद दिन पहले भी एक जगह कहा था कि यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने चंद दिन पहले एक अपील की थी कि दुनिया भर में जहां जहां जंगें हो रही हैं वहां सीज फायर किया जाए, वहां जंग बंदी की जाए, क्योंकि इस वक्त एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है। तो एक तरफ यूएन पूरी दुनिया से अपील कर रहा है कि आप सीज फायर करें, जंग बंदी करें, और दूसरी तरफ भारत ये हरकतें कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि जंग बंदी की सीज फायर के खिलाफ वर्जियां कर रहा है, और पाकिस्तान में जो मासूम जाने हैं, जो मासूम निहत्ते शहरी हैं, कोई दिन नहीं गुजर रहा पिछले 3-4 दिन से कि जब भारत की जारहियत की वजह से पाकिस्तानी साइड के जो लोग हैं वो शहीद जख्मी ना हो रहे हैं। शहीद अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल तो कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन इससे पहले जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियां की है भारत ने, उससे पाकिस्तानी शहीद भी हुए हैं। तो अभी इस कदर एक बहरानी सूरत हाल है, इतनी खौफनाक सूरत हाल है, और भारत जो है खासतौर पर मोदी सरकार वो अपने जंगी जुनून से बाज आ रही है, वो अपने गैर इंसानी सलूक से, गैर इंसानी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रही। तो मैं तो बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे तवज्जो जो है वो मबजूल करवानी चाहिए, पाकिस्तान को यूएन को लिखना चाहिए कि एक तरफ यूएन के सेक्रेटरी जनरल पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि सीज फायर किया जाए जहां जहां पर जंगें हो रही हैं, जहां जहां जंगी सूरत हाल है, और भारत की ये आप करतूत देखें, भारत की हरकतें देखें कि वो इतने, और साउथ एशिया में दुनिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भारत की अरबों की आबादी है, पाकिस्तान पांचवीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है। ठीक, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि पहले ही एक मेडिकल बहरान की सूरत हाल का शिकार है, उसको आप एक जंगी सूरत हाल में भी धकेल रहे हैं, तो ये तो पूरी दुनिया के अमन को भारत जो है वो दांव पे लगा रहा है, पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। दाव पे लगाने की कोशिश करें, बिल्कुल। और आतंकवादी पाकिस्तान को कहते हैं, खुद देख लीजिए इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच जो कि इनके रवैयों में बकायदा नजर आ रही है। रमेश कुमार साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, गरीदा ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान को लिखना चाहिए, लिख के भेजना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? और बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं, इमरान खान साहब ने नो डाउट के बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, कश्मीर के मामले पर बात की, भारत को दो टोक जवाब अगर मैं कहूँ दिया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि हुकूमत कि अभी भी कुछ गलतियां हैं, हुकूमत अभी भी बहुत सी जगहों पे नरमी बरत रही है, ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप पूरी सिचुएशन पे, क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं इंटरनली बहुत सारी बातें होंगी, मगर एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी जो इस हुकूमत की बेहतर है, ऐसे मैंने अपनी 18-19 साल में पहले ऐसी नहीं देखी है। रही बात भारत की, दो दिन से ये जो एलओसी के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं उनकी मजम्मत करते हैं, और मैं गरीदा की बात से एग्री हूँ कि ये यूएन को लिखना चाहिए कि ये वक्त जहाँ पे इंसान इंसान से सोशल डिस्टेंस कराए, और वहाँ पे ऐसे मौके के ऊपर एक दूसरे मुल्क को यूनिटी दिखानी चाहिए आपस में, मगर इस वक्त भी जहाँ पे जो है वो एक खुदा का एक पहले ही जो है वो एक अदा आया हुआ है कि भाई आप लोग जिस किस्म का एक दूसरे के साथ जुल्म, हर मुल्क के अंदर जुल्म जो होता है, इस वजह से आज खुदा के घर बंद है, मंदिर बंद, मस्जिदें बंद, चर्चेस बंद, क्यों? तो हमें इस चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा। कल एक मैंने इंटरव्यू देखा, मैं समझता हूँ कि सलीम साफी का, एक बच्चे का जिसको प्रोफेसर का नाम दिया गया, इतना खूबसूरत इंटरव्यू था। मैं समझता हूँ हमें कम से कम अपने अहमालों को, अपने इनको प्राश्चित करना चाहिए, अपने गुनाहों को माफ कराना चाहिए, आगे एक नई समित के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों को अपने जीने का हक देना चाहिए। कश्मीर के लोग जैसे जीना चाहते हैं वैसे उनको हक, मैं भी आगे बढ़ती हूं, क्योंकि अच्छा आपके तो दोबारा आना चाहूंगी, बल्कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, आप अपनी गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। जी जी फिजा, मैं ये कह रहा था कि एक पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी जनरल यूनाइटेड नेशन ने तमाम ममालिक से अपील की है हॉस्टिलिटीज को सीज करने की ताकि लोग कोरोना से फाइट कर सकें। दूसरा, उन्होंने ये भी डिमांड किया था इंडियन गवर्नमेंट से कि जो कश्मीर के अंदर लॉकडाउन उन्होंने किया हुआ है उसको ईज ऑफ करें ताकि हेल्थ वर्कर्स लोगों तक पहुंच सकें, लोग हॉस्पिटल तक आ सकें, और सोशल मीडिया के जरिए उनके हालात का इल्म हो सके। तो इस प्रेशर की वजह से, इसको
वार्ड ऑफ करने के लिए एक नॉन प्रोफेशनल गैर जिम्मेदाराना रवैया हिंदुस्तान ने अपना लिया है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर वायलेशन शुरू कर दिए हैं। वो दुनिया को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से इंटरफेरेंस हो रही है। मैं समझता हूं कि वहां चंद नॉन प्रोफेशनल और बेलगाम फील्ड कमांडर ऐसे मौजूद हैं हिंदुस्तान में, ट्रिगर हैप्पी रास्कल्स हैं, जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की तरफ बमबारी उन्होंने शुरू कर दी है। तो इसका तरीका यह है, एक तो यूनाइटेड नेशन को पावर कराना है, उससे बढ़ के जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है इंडिया और पाकिस्तान के, इनका हॉटलाइन में आपस में रब्ता होता है, उनको आगाह किया जाए। अगर जरूरी हो तो आर्मी चीफ, इंडियन चीफ को कॉल करके एक दफा खबरदार कर दें कि अगर आपने ये चीज दाखी तो हम आपको एक भरपूर और बेफिटिंग रिप्लाई देंगे। और फिर तमाम तार आर्टिलरी के वसाइल जो हमारे लॉन्ग रेंज और मीडियम और लॉन्ग रेंज गने होती हैं और हैवी गन्स होती हैं, उनसे मिलिट्री पोजीशंस को पाउंड करें ताकि उनको पता चले कि उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है। लेकिन इससे पहले एक दफा उनको वॉर्न कर दिया जाए, हो सकता है वो अपने फील्ड कमांडर्स और जो ट्रिगर हैप्पी लोग वहां पे बैठे हैं उनको लगाम देने में हिंदुस्तान कामयाब हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका भरपूर मिलिट्री, आपने बहुत अच्छी बात की जाजवान साहब, देना चाहिए ताकि वहां से उनकी भी ठीक है कि आवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की वार्निंग से रिलेटेड। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे फिर तीनों मेहमानों को दोबारा शामिल है, गुफ्तगू करती हूँ कि वार्निंग तो कुदरत ने दे दी नरेंद्र मोदी को, भारतीय सेना को, जो आरएसएस की सोच रख के भारत इस टाइम पे चल रहा है और खुद को कहता है सेकुलर इंडिया। सेकुलर को ना जरा डिक्शनरी में देखें, गूगल करें, इसका मतलब पढ़ें कि सेकुलर का मतलब क्या होता है और वहां पे कौन हिंदुओं के अलावा खुश है। आप देख ले हिंदुत्व मेंटालिटी है, बल्कि सॉरी टू से हिंदुओं में भी जो उनकी उनके मुताबिक निचली जात पात के लोग हैं वो भी वहां पे सफर कर रहे हैं। मुसलमानों की सिचुएशन आपके सामने है, सिख वहां पे रो रहे हैं, क्रिश्चियन वहां पे परेशान है। वहां पे कौन है जिसको पांचों उंगलियां घी में, सिर्फ हिंदुत्व सोच वाले, वो भी बड़ी जात पात के हिंदू, छोटी जात पात के हिंदू नहीं। कुदरत ने इतनी बड़ी वार्निंग दे दी कि कश्मीर में आपने इतने दिन से लॉकडाउन किया हुआ है और अब देखें आप लोग खुद लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, देखें कि लॉकडाउन होता क्या है। अभी तो वो लॉकडाउन है जिसमें आप एसी की ठंडी हवाएं ले सकते हैं, जहां ठंड है वहां पे हीटर में बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है, खाना पीना कर सकते हैं। उनके लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में बहुत फर्क है। अभी भी अगर नहीं संभलेगा नरेंद्र मोदी और भारत तो मेरे